क्लास। वालेकुम सलाम। एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई थी। मंडे वाले दिन जो लेक्चर था 8 बजे, उसके अंदर आज जो है एक्सरसाइज, सॉरी 4.2 कंप्लीट हुई थी। 4.3 एक्सरसाइज है, बहुत इजी है। उससे रिलेटेड हमारा बेसिक जो कंसेप्ट है वो इम्प्लिसिट फंक्शन और पैरामीट्रिक फंक्शंस है। पैरामीट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 4.2 के अंदर भी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, लेकिन वो बाय चेन रूल वहाँ पे डिफाइन किया हुआ था। हमने उसे बाय चेन रूल किया था। अब पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ, और इम्प्लिसिट फंक्शंस और एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने पढ़े थे इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन, जिसमें हम इक्वेशन में से फंक्शन यानी कि डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शंस जिस एक का हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, एक्सप्लिसिट फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं किए हुए, उनसे रिलेटेड डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेरिवेटिव उनका भी लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उनका डेरिवेटिव नहीं लिया जा सकता, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी कि एक्सप्लिसिट इक्वेशंस को हम इम्प्लिसिट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग डेरिवेटिव। एक्सप्लिसिट फंक्शंस चैप्टर नंबर 1 में हमने किए थे, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इक्वेशंस थी। इम्प्लिसिट इक्वेशन के अंदर हम वेरिएबल यानी कि डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड पे इक्वल के साइन के एक्स वाले वेरिएबल्स और लेफ्ट साइड पे वाई वाले, या राइट पे वाई या लेफ्ट, यानी कि दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। और एक्सप्लिसिट के अंदर हम लेफ्ट और राइट साइड वेरिएबल जो थे वो सेपरेट नहीं कर सकते थे, यानी कि वाई और एक्स जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। बट बाय डिफरेंशिएशन फंक्शंस हम एक्सप्लिसिट को इम्प्लिसिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही यहाँ पे उसने मेंशन किया है। इन द प्रीसीडिंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर वी शो हाउ टू डिफरेंशिएट फंक्शंस, डिफाइन एक्सप्लिसिटी बाय इक्वेशन ऑफ द फॉर्म वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक्सप्लिसिटी फंक्शन यानी कि एक्सप्लिसिट फंक्शन को हम डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग इम्प्लिसिट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। इन दिस सेक्शन वी शैल बी कंसर्न्ड विद द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस दैट आर डिफाइंड इम्प्लिसिटी। इक्वेशन दी होंगी जिसके अंदर y और x जो है वो कंबाइन यूज किया जाएगा, जो हमने पीछे चैप्टर किया था, प्रीवियस सॉरी एक्सरसाइज की थी, उसके अंदर y इज इक्वल टू x एक्सिस के अकॉर्डिंग फंक्शन था, हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्वोशन रूल अप्लाई किया, यानी कि रेशियो ऑफ टू फंक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन, इस टाइप के बहुत सारे फंक्शंस हम लोगों ने किए एक्सरसाइज 4.2 में। बट सबसे पहले आज जो है वो इम्प्लिसिट डेरिवेटिव है, इम्प्लिसिट इक्वेशंस के डेरिवेटिव लेने हैं। इस इक्वेशन के अंदर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि एक्स और वाई दोनों कॉम्बिनेशन के साथ दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है हमने वो लेना है, और इसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है वो यहाँ पे हमसे मेंशन किया डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है और डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ से कैलकुलेट करना है। ये इसकी एग्जाम्पल है, पहले मैं एग्जाम्पल करवाती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगी। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 4, ये इक्वेशन है, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, हम इसको दोनों साइड पर डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि दोनों साइड पर फंक्शन है। डी ओवर डी एक्स दोनों से पहले मेंशन किया है, उसके बाद डेरिवेटिव है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास दो फंक्शन की एडिशन है, दोनों पर सेपरेटली अप्लाई होगा एक्स और वाई के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर, इस पर भी डेरिवेटिव आएगा। राइट साइड पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव यहाँ पे बनेगा 0, तो 0 यहाँ पे मेंशन किया। अब इस पे अप्लाई करेंगे, दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, एक्स और वाई दो फंक्शन है, दो वेरिएबल डिफरेंट है, उनके अकॉर्डिंग फंक्शन है। वाई फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स का डेरिवेटिव, उसके बाद एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड वाले का डेरिवेटिव वाई। अब इसका जो डेरिवेटिव लिया हुआ है वाई स्क्वायर, इस पे अप्लाई हुआ पावर रूल, पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर साथ में मल्टीप्लाई होगी, पावर में से एक लेस होगा वाई आ जाएगा, और फिर वाई का डेरिवेटिव अभी हमने यहाँ पे साथ में मेंशन किया भी लेंगे। यहाँ से आपके पास बनेगा y dx ओवर dx रिलेटेड टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं, 1 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा x dy ओवर dx, और सिमिलरली 2y dy ओवर dx यहाँ पे आ जाएगा। हमने कैलकुलेट करना है अपने गिवन क्वेश्चन में से dy ओवर dx, इस वक्त दो वैल्यूज में मेरे पास dy ओवर dx आ रहा है, ब्रैकेट को ओपन किया, जिसमें से dy ओवर dx आ रहा है उसमें से हम dy ओवर dx दोनों वैल्यूज में से कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा x प्लस 2y, ये देखें x प्लस 2y आ जाएगा, और ये y जो है पॉजिटिव, ये राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। उसे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास जो ये डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है,
इस साइड पे आएगा, राइट साइड पे, तो ये 3n के अंदर आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा माइनस y ओवर x प्लस 2y के साथ। ये जस्ट डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपको इक्वेशन दी है उससे रिलेटेड। और आगे फर्दर जो है क्वेश्चन, एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 45। तो करवाने से पहले मैं क्वेश्चन करवाती हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है यहाँ पे। एक्सरसाइज बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हैं, जस्ट 14 पार्ट्स हैं, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, ये 5 4 क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग है। शॉर्ट में है, सब में डेरिवेटिव लेना है। साथ में मेंशन क्या हुआ कि जो जो हमने चीज यहाँ पे फाइंड करनी है, dy ओवर dx, dy ओवर dx, और अगर क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो y 1, जहाँ पे डेरिवेटिव की डेफिनेशन करवाई थी वहां पे मैंने साथ में मेंशन भी किया हुआ था, वहां पे पूरा डिटेल से मेंशन था कि डेरिवेटिव को यानी कि dy ओवर dx को या विद रिस्पेक्ट टू df ओवर dx को जब डेरिवेटिव है तो उसको उसकी सबस्क्रिप्ट में 1 के साथ भी मेंशन किया जा सकता है। 1 डिनोटेड बाय फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर 2 3 4 5 लिखा तो मतलब 2 3 4 जितने भी लिखे हुए उसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव है, या ऊपर डैश की सूरत में भी लिखा जाता है वो भी डिनोट करता है डेरिवेटिव को। y डैश 1 डैश है तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, डबल डैश है तो सेकंड है, ट्रिपल है तो 3 है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें y 1 का मतलब भी यही है कि हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल जो कि हमारे पास x है, इसके अंदर डिफरेंशिएट करना है। सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है फाइंड dy ओवर dx इफ 3x + 4y + 7 = 0। इसका डेरिवेटिव बताना है आपने, जिसका डेरिवेटिव क्या आएगा। जैसे हमने dy ओवर dx फाइंड करना है, पहले तो आप मुझे इसका डेरिवेटिव बताएंगे कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। सेवन डेरिवेटिव आएगा, सेवन तो कांस्टेंट है, जब डेरिवेटिव लोगे तो वो जीरो हो जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है, 3x + 4y + 7 = 0। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव आएगा 3x पे, 4y पे, 7 पे, और राइट साइड पे जीरो है, जीरो का डेरिवेटिव आ जाती है जीरो आएगा। सेवन कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव भी हमारे पास जीरो आएगा। डेरिवेटिव आएगा 3x और 4y का, 3 कॉन्स्टेंट है, एडिटिव आएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पर 1। 4y, 4 का डेरिवेटिव नहीं लिया जा सकता क्योंकि 4 साथ में वेरिएबल के मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 एज ए कॉन्स्टेंट साथ में आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा वाई का। विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं एक्स, तो ये एडिटिव आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। जीरो वाली जो वैल्यूज है उसको मैंने स्किप कर दिया क्योंकि ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बनेगा 3 प्लस 4y, 4dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। dy ओवर dx वाली वैल्यू मैंने इसी साइड पर रहने दी है क्योंकि हमने ये फाइंड करना है। 3 राइट साइड पे जाके हो जाएगा आपके पास माइनस 3, 4 अब लेफ्ट साइड पे रह जाएगा और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे आके हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास आंसर आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 4। जिन्होंने 7 बोला था जरा मुझे बताएं 7 कैसे आया डेरिवेटिव। अगर तो आपने इक्वेशन को देख के बोला था तो इक्वेशन में कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, वो चाहे कांस्टेंट 0 है या आपके पास कोई सा भी पॉजिटिव या नेगेटिव कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। सॉल्व करके फिर इक्वेशन को बताया जा सकता है कि डेरिवेटिव इसमें से क्या आएगा। सेकेंड इसका पार्ट है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 2, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। मैंने यहाँ पे अब थोड़ा सा डेरिवेटिव डायरेक्ट लिया, ये डेरिवेटिव एक्स वाई अगर आप देखें ये चीज, ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट वाला, ये एग्जाम्पल नंबर जो रिलेटेड टू आपके टॉपिक है एग्जाम्पल नंबर 1 यानी कि 44 एग्जाम्पल है, इसके अंदर भी यही चीज है डी वाई ओवर डी एक्स एक्स एंड वाई। मैंने सेम एज इट इज ही इसको ओपन नहीं किया, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट ये चीज लिखी हुई है कि बेसिकली प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया हुआ है। फर्स्ट फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे मैंने एज इट इज लिया है, आप डेरिवेटिव लेना चाह रहे तब भी कोई इफेक्ट नहीं क्योंकि एडिशन का साइन है। फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ वाई, वाई का डेरिवेटिव आएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई यानी कि सेकेंड फंक्शन एज इट इज आएगा, एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1 क्योंकि वो रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, साथ में डेरिवेटिव आएगा वाई स्क्वायर का
इसके पावर रूल अप्लाई होगा, टू पावर साथ में मल्टीप्लाई होगी, वहां के पावर में से एक लेस होगा तो वन रह जाएगी। वाई का डेरिवेटिव आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, टू का डेरिवेटिव आपके पास आएगा यहाँ पे जीरो। अब सिंपलीफाई करना है क्योंकि हमने इसमें से फाइंड करना है dy ओवर dx, और इस वक्त dy ओवर dx दो वैल्यूज के साथ है, एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू ये। इसके सेंटर में ये सिंपल y है जो कि मैं उठा के राइट साइड पे ले आऊंगी, और वो y जो है पॉजिटिव था और राइट साइड पे आके नेगेटिव हो गया। और जो dy ओवर dx वाली वैल्यूज है उसमें से dy ओवर dx कॉमन लें तो अंदर रह जाएगा x प्लस टू वाई। नेक्स्ट स्टेप में ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और हमें सिर्फ चाहिए dy ओवर dx, तो हम लेफ्ट साइड पे dy ओवर dx करने देंगे और अपनी जो वैल्यू साथ में मल्टीप्लाई होगी उसे उठा के राइट साइड पे ले जाओगे, तो मल्टीप्लिकेशन दूसरी तरफ जाके इक्वेशन की डिवाइड हो जाती है, डिवीजन मल्टीप्लाई होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में और सब्ट्रैक्शन एडिशन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो राइट साइड पे जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसका वो मैंने नहीं किया क्योंकि वो सिंपल है, वो आप मुझे भी यहीं से देख के उसका डेरिवेटिव बताइएगा कि डेरिवेटिव क्या आता है। थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाले पार्ट का डेरिवेटिव बताएं क्या आएगा। पहले तो एज इज ही डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, इसमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्लास क्या आएगा और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, टू वाई, सिर्फ टू वाई, 2y dx dy over dx बिल्कुल, और माइनस 4x का माइनस 4, माइनस 4 एंड इज इक्वल टू 5, 5 का डेरिवेटिव वो मैम जीरो हो जाएगा, वो कांस्टेंट है वो जीरो हो जाएगा। फिर आगे सिर्फ आपने इसकी सिंपलीफिकेशन करनी है, सिर्फ सेंटर वाली जो वैल्यू है ये y स्क्वायर जो इसका डेरिवेटिव लेंगे 2y dy over dx, बाकी वैल्यू इसको राइट साइड पे ले जाएं और इसके साथ जो 2y मल्टीप्लाई होगा उसको नेक्स्ट टाइम पे दूसरी साइड पे ले जाएं वो डिवाइड हो जाएगा। इससे नेक्स्ट पे है फोर पार्ट, फोर पार्ट का डेरिवेटिव लेना है। अब हमने y1 यानी कि वही चीज रिपीट कर रही हूँ कि डेरिवेटिव को y1 के साथ भी डिनोट किया जाता है, इसके सबस्क्रिप्ट में मेंशन किया हुआ है, 1 साथ में मेंशन नहीं है। इसका मीन यही है कि हमने डेरिवेटिव लेना है। अब एक्स थ्री माइनस वाई थ्री इज इक्वल टू ए थ्री, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले तो डेरिवेटिव बताएं फिर हम इसमें से डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लेंगे। पावर में से एक लेस होगा, पावर सारी लेस नहीं होती, और साथ में माइनस वाई थ्री का डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका मैम आएगा थ्री वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स और इक्वल टू में ए थ्री जीरो आएगा, वो मैम कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब मुझे बताएं इसमें से dy ओवर dx क्या आएगा, क्वेश्चन को देखकर बताया जा सकता है। देखें यहाँ पे ये डेरिवेटिव बना है मेरे पास x3 का 3x2 -3y dy ओवर dx y2 सॉरी इज इक्वल टू 0। इसका जो डेरिवेटिव था नेक्स्ट स्टेप में x3 का वो राइट साइड पे आके माइनस में आ जाएगा, वो बनेगा -3x2 और माइनस थ्री वाई स्क्वायर का जो डेरिवेटिव था वो बना था माइनस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इधर रहने दे, माइनस थ्री वाई स्क्वायर उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, थ्री माइनस थ्री के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। वैसे मैंने सॉल्व भी किया है यहाँ पे, हमने फाइंड करा वाई वन इफ गिवन आपके पास ये इक्वेशन है, इसको डिफ्रेंशिएट किया है, सेम वही डिफ्रेंशिएशन जो अभी वहाँ पे मैंने बताई है। उसके बाद मैंने डी वाई ओवर डी एक्स को डिनोट कर दिया वाई वन के साथ, बिकॉज मैं पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ कि सेम एक ही वैल्यू का नेम है, जस्ट डिफरेंट नेम के साथ डिनोट किया हुआ है। अब हमें चाहिए सिर्फ यहाँ से y1, वो मैंने यहाँ पे रहने दिया, और ये वाली वैल्यू जो है वो दूसरी साइड पे जाकर हो जाएगी डिवाइड माइनस थ्री वाई स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, माइनस थ्री से कैंसिल होगा और आपके पास आंसर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर के साथ। इससे नेक्स्ट वाला पार्ट है फिफ्थ पार्ट, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ y is equal to x cos of y, इसमें दो फंक्शन की प्रोडक्ट है राइट साइड पे जिसमें एक वेरिएबल जो है वो x है और दूसरा वेरिएबल है y, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड पे, लेफ्ट साइड पे तो आ जाएगा डायरेक्टली dy over dx
राइट साइड पे अप्लाई होगा क्वेश्चन रूल, क्योंकि दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा एक्स, सेकंड फंक्शन एज इट इज माइनस, आना था सेंटर में प्लस, लेकिन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगी और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और मैंने इसीलिए यहाँ पे प्लस को डायरेक्टली यहाँ पे माइनस लिख दिया। आप पहले स्टेप में प्लस लिखते हैं, फिर नेक्स्ट पे जाके इसको माइनस साथ में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे cos y का डेरिवेटिव लिया जो कि आता है माइनस साइन y, और y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy ओवर dx, और साथ में x जो है वो एज इट इज ही आएगा एज ए फर्स्ट फंक्शन। इससे नेक्स्ट स्टेप में 1 मल्टीप्लाई होगा cos y से, वो एज इट इज आएगा, x साथ में मल्टीप्लाई होगा, x को भी मैं इस तरफ ले लूं, dy और dx की कंडीशन ये बनेगी। अब एक वैल्यू dy ओवर dx की ये है और एक वैल्यू जो है dy ओवर dx ये है, इसको उठा के राइट पे ले जाए या इसको उठा के लेफ्ट पे ले आए, दोनों में से जो मर्जी वर्क कर लें, आंसर सेम ही आएगा। इसको मैं ले जाऊंगी लेफ्ट साइड पे, ये माइनस का है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का, कॉस ऑफ वाई रह जाएगा इधर ही। अब उसे नेक्स्ट स्टेप में दोनों में से डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो कॉमन लूंगी और अंदर आपके पास रह जाएगा वन प्लस एक्स साइन वाई, और नेक्स्ट स्टेप में हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट है डी वाई ओवर डी एक्स की, तो नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू जो है राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी कॉस ऑफ वाई के डिविजन में, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट पे जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने सॉल्व नहीं किए हुए फाइव वाले, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ किस वे में सॉल्व होंगे, वो बिल्कुल सिंपल ही थे इसलिए मैंने उनको सॉल्व नहीं किया। इसमें भी डी वाई ओवर डी एक्स आपने फाइंड करना है, सिंपल इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा टू वाई डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस एक्स वाई पे फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में भी किया है, एग्जाम्पल में भी किया है, माइनस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव आएगा माइनस टू एक्स और प्लस फोर का डेरिवेटिव जीरो। तो इन दो एक्सप्रेशंस के अंदर से आपके पास आएगा dy ओवर dx, दोनों को कॉमन लेते हुए dy ओवर dx आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करिए। नेक्स्ट जो सेवन वाला पार्ट है वो भी एज इज ही ऊपर वाले की तरह है, उसके अंदर भी दो फंक्शन में dy ओवर dx आएगा, एक तो सेकंड वाले में माइनस फोर एक्स वाई में और उसके बाद माइनस फाइव में। उससे नेक्स्ट पे जो इम्प्लिसिट इक्वेशन दी हुई है आपको वो y3 माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये बेसिकली एक्सप्लिसिट इक्वेशन है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो इम्प्लिसिट में कन्वर्ट हो जाती है। उससे नेक्स्ट पे जो नाइन वाला पार्ट है वो सेम एज इट इज ही जैसे कि ऊपर मैंने फिफ्थ वाला पार्ट किया है, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ y, अब यहाँ पे दिया हुआ है x इज इक्वल टू y साइन ऑफ y, इसमें भी डेरिवेटिव लेंगे dy dx ओवर dx 1 आ जाएगा, इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिएगा, दोनों में dy आएगा, दोनों में से dy लेते हुए वैल्यू को कॉमन ले लें और आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 10 पार्ट, इफ x इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू t स्क्वायर फाइंड dx ओवर dt एंड dy ओवर dt, एक फंक्शन x में दिया हुआ है और एक फंक्शन का नेम y के साथ दिया है, दोनों पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t दिया है और फाइंड कहता है dx ओवर dt, यानी कि हमने x वाली का भी विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेना है एंड y dy ओवर dt y का भी रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेंगे, सिर्फ डेरिवेटिव लेना है और फर्दर यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास dx ओवर dt इज इक्वल टू पावर रूल अप्लाई होगा 2t एंड t का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, क्लास इन केस अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ विद रिस्पेक्ट टू इसका x डेरिवेटिव ले तो ये dx इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी आपके पास, x इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1 का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले तो आपका आंसर क्या आएगा। इस तरह के पॉइंट जो है वो पेपर में एमसीक्यू के तौर पे आ सकते हैं, क्या आपको इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1 और विद रिस्पेक्ट टू आप इसका x रिस्पेक्ट की डेरिवेटिव ले तो आंसर क्या आएगा। मैम साथ में dx आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव लेंगे dx ओवर dx इज इक्वल टू dt स्क्वायर प्लस 1 इसका भी विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, साथ में आपको अगर तो कंडीशन दी जाती है कि t जो है वो एक वेरिएबल है तो फिर dt ओवर dx आ जाएगा, और अगर आपको कहा जाता है कि वेरिएबल नहीं कांस्टेंट है तो फिर डायरेक्टली ही ये जीरो आ जाएगा, क्योंकि t अगर कांस्टेंट है तो t कांस्टेंट के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव जो है वो जीरो हो जाए, ठीक है। साथ में अगर इस टाइप का एमसीक्यू आएगा तो साथ में मेंशन भी होगा कि t वेरिएबल है या कांस्टेंट है, अगर तो साथ में मेंशन नहीं है कि ये वेरिएबल है
तो फिर ये कॉन्स्टेंट ही कंसीडर होगा, तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव बन जाएगा जीरो। यहाँ पे टी एज ए वेरिएबल, दो वेरिएबल्स के साथ एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो रहा है, एक्स और वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंड किस पे कर रहे हैं, टी पे। तो टी के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे तो डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू पावर रूल अप्लाई होगा, पावर साथ में मल्टीप्लाई होगी, पावर में से क्लैश करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा टी, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आ जाएगा वन, और सिंप्लीफाई के बाद ये टू टी रह जाएगा। इसी तरह y का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लूंगी तो dy वाई ओवर डी टी, इस पर भी पावर रूल अप्लाई होगा, इसका भी आंसर आता है आपके पास 2t। दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है, यहाँ पे सेम कंडीशन करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ हमारा डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली सेम हुआ है। और अगर आपको बोला जाए कि दोनों का डेरिवेटिव सेम क्यों है, तो फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ इस चीज की चेंजिंग है, x के साथ 1 है और 1 का डेरिवेटिव हमेशा कॉन्स्टेंट ही होता है, सॉरी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 ही होता है, तो सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव टी स्क्वायर पे रहते हैं। इस वजह से दोनों जो है वो सेम इक्वेशन के अकॉर्डिंग यूज हो रहे हैं। अब इससे नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसके अंदर भी डी एक्स ओवर डी टी फाइंड करना है और डी वाई ओवर डी टी। अब डी एक्स ओवर डी टी लेंगे तो आंसर आएगा 2at, क्योंकि a कॉन्स्टेंट है, टी स्क्वायर पे डेरिवेटिव आएगा और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव भी हम ले चुके हैं 2t के साथ। y का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये सिर्फ 2a के साथ आंसर आएगा, क्योंकि t का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। 12 वाला जो है उसका डेरिवेटिव b विद रिस्पेक्ट टू dx ओवर d थीटा एंड dy ओवर d थीटा बोला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो थीटा है। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे तो आएगा a कॉन्स्टेंट है, cos थीटा का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन थीटा। dy ओवर d थीटा इसका भी थीटा के अकॉर्डिंग लेंगे तो a कांस्टेंट है, sin थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास cos थीटा। नेक्स्ट वाला जो है फाइंड, इसमें हमने करना है dy ओवर dx व्हेन x इज इक्वल टू at एंड y इज इक्वल टू a स्क्वायर t स्क्वायर। ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं, इसमें हमने ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स एक वेरिएबल के साथ रिपीट हुए, यानी कि दो डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर एक सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इस वे में जो डेरिवेटिव लेना होता है एक वेरिएबल का एक इक्वेशन का दूसरे इक्वेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग, तो इस टाइप का जो रूल है वो पैरामेट्रिक इक्वेशन रूल कहलाता है, कि दो सिंपल डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर एक कंबाइंड वेरिएबल यूज हो रहा है, इस तरह की जो इक्वेशन है वो पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाती है। यहाँ पे मैंने उसकी डेफिनेशन भी आई थिंक सो इंक्लूड की हुई है। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी शैल यूज चेन रूल टू फाइंड द डेरिवेटिव। पैरामेट्रिक इक्वेशंस भी चैप्टर नंबर 1 में जहां पे आपने इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट किया था वहां पर ही साथ में पैरामेट्रिक इक्वेशंस का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, और नोट्स मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किए हुए हैं, दोबारा से फिर मैं आपको बता देती हूँ कि चैप्टर नंबर 1 में ये कहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे आप लोगों ने फंक्शंस किए थे, उसके बाद आगे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फंक्शंस, उसके बाद डोमेन और रेंज, ये सारा कुछ आप लोगों ने किया था। फाइनल के लिए सारी तैयारी साथ साथ रखें, इवन ऑड फंक्शंस ये सारा कुछ मैंने करवाया हो, ये देखें आगे हाइपरबोलिक के साथ बाद में हम लोगों ने किया था एक्सप्लिसिट फंक्शन, और उसके बाद थे हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शंस, उससे नेक्स्ट पे पैरामेट्रिक इक्वेशंस ही थी। ये देखिए पैरामेट्रिक फंक्शंस, और इसकी डेफिनेशन थी कि दो वेरिएबल्स एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एक्सप्रेशन के साथ यूज होते हैं और इनको कंबाइन अगर किया जाए तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाती है, जो इनके कॉम्बिनेशन से बनती है, और यही यहाँ पर भी है, सिर्फ यहाँ पर हम ले रहे हैं इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के लिए दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस दी हुई है, दोनों कंबाइन करके एक डेरिवेटिव फाइंड करना है dy ओवर dx, तो बाय चेन रूल हम इसका डेरिवेटिव यहां पर फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये एग्जांपल नहीं करवा रही, एग्जांपल सेम एज इट इज है जैसे क्वेश्चंस हैं, यहां पे मैं क्वेश्चंस ही करवा रही हूं, एग्जांपल भी करवा देती हूं अगर कहते हैं तो बाद में। सबसे फर्स्ट पे है फाइंड dy ओवर dx व्हेन x इज इक्वल टू at एंड y इज इक्वल टू a स्क्वायर t स्क्वायर।
मैं एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी और वाई का भी विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लूंगी, दोनों को मैंने इक्वेशंस को नेम दिया वन और टू के साथ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स ओवर डी टी, एक्स वाली का भी विद रिस्पेक्ट टू टी और वाई वाली का भी विद रिस्पेक्ट टू मैंने टी यहाँ पे डेरिवेटिव लिया, डी एक्स ओवर डी टी लेंगे तो यहाँ पे ए टी है, एक कॉन्स्टेंट है, टी का डेरिवेटिव आ जाएगा वन। सेकेंड वाले में वाई इज इक्वल टू ए स्केयर टी स्केयर, ए स्केयर कॉन्स्टेंट एज इज आ जाएगा, टी स्केयर का डेरिवेटिव आ जाएगा टू टी और टी का डेरिवेटिव वन, वो मेरे साथ में मेंशन नहीं किया, और ये आ जाएगा टू ए स्केयर टी। नाउ बाय द चेन रूल, अब हम डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो बाय चेन रूल फाइंड करेंगे, डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी टी ये हमने अभी फाइंड किया जो आता है मेरे पास टू ए स्केयर टी के, डी एक्स ओवर डी टी हमने निकाला था बट हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है डी टी ओवर डी एक्स की, तो मैं ऊपर डी एक्स ओवर डी टी को ओपोजिट कर दूंगी यानी कि उसका इन्वर्स लेंगे तो बनेगा वन ओवर ए, ये ए इस एक ए से कैंसिल हो जाएगा और पीछे रह जाएगा आपके पास टू ए टी। अब जब इस से में चेन रूल अप्लाई करके आंसर फाइंड करते हैं तो अगर तो सिंप्लीफाई हो रहा है ठीक है हम अपना आंसर जो है वो एक्स या वाई में दे सकते हैं, नहीं हो रहा तो ठीक है यहाँ तक भी आंसर ठीक है, बट अगर आप इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन को जिसको मैंने हाईलाइट किया अपनी रिस्पेक्ट टू इक्वेशन एक्स जो ऊपर दी हुई है वन, मैंने उसको वन नेम दिया था, ए टी की जगह पे मैं सब्सिट्यूट कर सकती हूँ एक्स, तो फ्रॉम द इक्वेशन वन मैंने यहाँ पर ए टी की जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक्स को सब्सिट्यूट कर दिया, नहीं करना चाह रहे तब भी ठीक है यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अब नेक्स्ट पे है लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, If x is equal to a cos 3 theta and y is equal to b sin 3 theta. Class, यहाँ पे जो question किया हुआ है, question number 2, अगर आप इसको देखें इसके अंदर उसने यहाँ पे थोड़ा सा question गलत दिया हुआ है, a cos 3 theta, y is equal to a sin 3 theta. But show जो हमने करनी है equation, show that कहता है a dy over dx plus b tan theta. यहाँ पर जो दोनों equations दी हैं इसके अंदर b कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है उसके अंदर उसने बी लिया हुआ है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए y इज इक्वल टू y वाली जो वैल्यू है उसमें जहाँ पे a है इसको रिप्लेस करें b के साथ तो ये इक्वेशन शो होती है, अदरवाइज ये इक्वेशन शो नहीं होती। मोहसिन अली अपना माइक बंद करें, माइक म्यूट करें, मैंने यही चेंजिंग की है यहाँ पर y इज इक्वल टू बी साइन थ्री थीटा, ए की जगह पे b लगाया ताकि हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन हमने शो करनी है वो सेटिस्फाई हो जाए। डिफरेंशिएट किया x और y को विद रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल जो इसमें एज इट इज थीटा दिया हुआ है, पहले ऊपर पैरामेट्रिक में t दिया था यहाँ पे थीटा दे दिया है, थीटा के अकॉर्डिंग मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी डी एक्स ओवर डी थीटा, पहले x वाली को डिफरेंशिएट किया इसको, a कॉन्स्टेंट है एज इट इज आ जाएगा, cos 3 थीटा का डेरिवेटिव आएगा जो कि पावर रूल अप्लाई होगा, 3 पावर साथ में आ जाएगी, पावर में से एक लेस होगा तो cos square थीटा रह जाएगा, अब cos थीटा का जो डेरिवेटिव है वो आता हमारे पास माइनस साइन थीटा, थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव 1 आता है जो मेंशन नहीं किया हमने। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस 3 है, सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस 3 है cos square थीटा साइन थीटा रह जाएगा। नाउ फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू b साइन 3 थीटा, differentiate with respect to theta, dy over d theta is equal to b as a constant and derivative goes on to the sin cube theta. According to power rule, power जो है वो multiplication में आएगी 3, power में से एक less करेंगे, sin square theta रह जाएगा and derivative of sin theta is equal to cos theta और मैंने sin theta का derivative यहाँ पर replace किया cos theta के साथ। नाउ फॉर द सिंप्लीफिकेशन, अब इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू चेन रूल हमने यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना था, डी वाई ओवर डी एक्स क्यों फाइंड करना है क्योंकि हमारी इक्वेशन के अंदर ये दिया गया है कि हमने इक्वेशन शो करनी है और दो वेरिएबल्स दिए हुए एक्स और वाई के साथ, दोनों का मैंने थीटा के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लिया है। अब बाय चेन रूल पहले मैं फाइंड करूंगी डी वाई ओवर डी एक्स और फिर हमारी इक्वेशन वो बनेगी जो ऊपर हमने शो करनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चेन रूल अप्लाई किया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा ओवर डी एक्स के साथ, डी वाई ओवर डी थीटा का जो आंसर है वो ये है 3b sin square थीटा cos थीटा और डी एक्स ओवर डी थीटा यहाँ पे दिया गया है, बट हमें जो रिक्वायरमेंट है बाय चेन रूल ये ऑपोजिट होगा तो यहाँ पे भी ये वैल्यू ऑपोजिट होकर आएगी रेशो के साथ 1/-3a sin cos square थीटा sin थीटा। अब दोनों वैल्यूज में से दोनों मल्टीप्लाई हो रही है
लेकिन एक तो है इनवर्स वाली है, थ्री थ्री से कैंसिल हो जाएगा, साइन और कॉस भी आपस में एक एक कैंसिल हो जाएगा, एक साइन नीचे वाले एक साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला कॉस नीचे वाले एक कॉस के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा यहाँ पे सिंप्लीफाई होके डी वाई ओवर डी एक्स बी साइन थीटा ओवर माइनस ए कॉस थीटा। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गिवन इक्वेशन जो हमने सेटिस्फाई करनी है y डी वाई ओवर डी एक्स के साथ है ए, तो मैं यहाँ से राइट साइड से ए जो डिवाइड हो रहा है इसे ले जाऊंगी लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी माइनस बी साइन थीटा और कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा टेन थीटा के, और इसको बिठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो माइनस वाली वैल्यू जो प्लस में आ जाएगी इज इक्वल टू जीरो, और यही चीज हमने शो करानी थी और ये चीज हमने शो करवा दिया बाय अकॉर्डिंग टू दो टू इक्वेशन। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू थीटा प्लस वन ओवर थीटा एंड वाई इज इक्वल टू थीटा प्लस वन। तो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है सेम उसी वे के साथ जैसे हमने ऊपर किया है, एक्स और वाई वाली दो इक्वेशन थी दोनों को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट किया है। वाई वाली जो थी वो तो सिंपल थी, डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू थीटा का डेरिवेटिव वन और वन का डेरिवेटिव आ जाएगा जीरो, और यहाँ पे डी वाई और डी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास वन। सेकेंड वाली जो इक्वेशन है डी एक्स ओवर डी थीटा, उसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो उसका डेरिवेटिव आपके पास आएगा थीटा का डेरिवेटिव बनेगा वन, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया वन। इसके बाद वन ओवर थीटा का डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करें, लेकिन इस वे में क्वेश्चन रूल बेशक ना अप्लाई क्या करें, देने इसको ऊपर ले गई हूँ इसकी पावर हो जाएगी माइनस डी ओवर थीटा डी थीटा और थीटा की पावर माइनस वन। पावर रूल अप्लाई किया पावर आ जाएगी स्टार्ट में माइनस वन और पावर में से एक लेस करेंगे तो ये बनेगा माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू एंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज इक्वल टू वन। नाउ फॉर द सिंप्लीफिकेशन वन और माइनस थीटा की पावर माइनस टू और माइनस टू फिर नीचे ले जाए और आपके पास ये बनेगा वन माइनस वन ओवर थीटा स्केयर। नाउ टेकिंग एलसीएम ऑन द नेक्स्ट स्टेप थीटा स्केयर माइनस वन थीटा स्केयर इसका एलसीएम आएगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, बाय चेन रूल अप्लाई करने के बाद डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा ओवर डी एक्स, वैल्यू ऑपोजिट हो जाएगी और वन से मल्टीप्लाई होकर आपका यही आंसर आ जाएगा डी स्केयर थीटा थीटा स्केयर ओवर थीटा स्केयर माइनस वन और यही आपका आंसर है। अब इसके अंदर अगर आप सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, करना चाह रहे हैं तो ये देखें दोनों ही के अंदर थीटा आ रहा है। आप एक्स रिप्लेस करना चाह रहे हैं या वाई रिप्लेस करना चाह रहे हैं यहाँ पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल के इसमें रिप्लेस करेंगे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए इसको एज इट इज ही रहने दे और इसका आंसर भी एज इट इज ही वहाँ पे दिया हुआ है। अब जो है इससे नेक्स्ट वाले जो दो क्वेश्चन है वो मैंने नहीं किए, इसमें हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, जैसे ये पीछे शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं वैसे ही है, ये यहाँ पता नहीं लॉन्ग क्वेश्चन में क्यों दे दिया, जैसे ये हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चन किए हैं अभी क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट सेम एज इट इज ही ये है। उसके बाद जो लास्ट वाला फिफ्थ क्वेश्चन है और अगर आप उसको कंपैरिजन करें बाय क्वेश्चन नंबर टू तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ए की जगह पे फोर और बी की जगह पे थ्री लगाएंगे तो आपके पास इक्वेशन जो है वही सेम इक्वेशन है जो ऊपर क्वेश्चन नंबर टू में, बट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू फोर एंड वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू थ्री। दोनों की वैल्यूज लेते हुए चेंज आप लोगों ने इसका डेरिवेटिव खुद से ले लिया। अब एग्जांपल नंबर 44 मैंने करवाई थी, उसके बाद एग्जांपल नंबर 45 है। इफ y ओवर x इज इक्वल टू tan इनवर्स x ओवर y देन शो दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू y ओवर x। इसको डेरिवेटिव लेंगे डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड पे सबसे पहले क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नोमिनेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर x जो है वो एज इट इज आ जाएगा माइनस नॉमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इज इक्वल टू tan इनवर्स x ओवर y, tan इनवर्स ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है जो हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस x होता है, बट यहां पर एंगल जो है वो x नहीं है, एंगल हमारे पास है x ओवर y, तो हम x ओवर y का ही पूरा स्क्वायर लेंगे और x ओवर y का फिर साथ में डेरिवेटिव भी आएगा। इसका फिर डेरिवेटिव अप्लाई करते हुए क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, साथ में दोनों वैल्यूज लेफ्ट और राइट वाली जो है इनको सॉल्व भी करते जाएंगे उसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव आएगा x dy ओवर dx माइनस y, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा यहाँ पे 1 ओवर में x स्क्वायर आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो
तो x ओवर y का होल स्क्वायर है, तो x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर आ जाएगा। साथ में डेरिवेटिव लिया है, क्वेश्चन रूल अप्लाई किया x ओवर y पे, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मेंशन किया है। उससे नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू एज इज है, क्योंकि इसकी फर्दर मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं होती। इसकी सिंप्लीफिकेशन होती है, इसका एलसीएम लिया है, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर, इसका ये एलसीएम आ जाएगा। और इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन की है, इसका डेरिवेटिव आएगा y और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वन आ जाएगा, माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। उससे नेक्स्ट स्टेप में फिर इसको फर्दर राइट साइड को सिंप्लीफाई किया, लेफ्ट एज इट इज ही रहने दी अभी फिलहाल। लेफ्ट साइड जो है वो एज इट इज है, राइट साइड पे क्या बनेगा, ये चीज जो है वाई स्क्वायर जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो ऊपर चल जाएगा, नोमिनेटर बन जाएगा। और इसकी सिंप्लीफिकेशन आपके पास आएगी y माइनस डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स ओवर वाई स्क्वायर। अब उसे नेक्स्ट स्टेप में ये वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिंप्लीफाई होने के बाद ये वैल्यू रह जाएगी। अब ये राइट साइड और लेफ्ट साइड पे अगर देखें कोई भी चीज जो है वो कॉमन नहीं आ रही, लेकिन अगर आप ऊपर से माइनस का साइन कॉमन लेते हो फिर दो वैल्यू जो है वो आपस में कंबाइन होती है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद सिंप्लीफाई की है वैल्यूज को, डी वाई ओवर डी एक्स वाली एक तरफ रखी है और सिंपल वैल्यूज जो है विदाउट डी वाई ओवर डी एक्स को एक साइड पर रखा है। डी वाई ओवर डी एक्स वाली वैल्यूज में से ये चीजें कॉमन आ रही हैं, वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो रही थी, वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होंगी और फिर आगे से कॉमन जो चीज आ रही है एक्स और वाई कॉमन आ रहा है उसको लें, बाकी सेम होती है वैल्यू कैंसिल हो गया, आपके पास ये आंसर वाई ओवर एक्स के साथ। नेक्स्ट वाली एग्जांपल है, ये इम्प्लिसिट इक्वेशन दी हुई है, इसका डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। ये भी सेम एज इट इज है जैसे पहले इक्वेशंस की है, उसमें कांस्टेंट 2, 4, 5 इस तरह के बेस में दिया है, यहाँ पे ए बी सी और जी एच के साथ, और साथ में दूसरे कॉन्स्टेंट भी दिए हुए हैं, मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट भी है साथ में। डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके जिस जिस वैल्यू में से डी वाई और डी एक्स आ रहा है उसको एक तरफ रहने दे, बाकी दूसरी दूसरी तरफ ले जाए। इसके बाद एक और एग्जांपल है, उसके बाद पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चन मैंने जैसे करवाए हैं सेम एज इट इज ही, इसकी आगे एग्जांपल्स भी हैं। फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, जैसे क्वेश्चन करवाया, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ वहाँ पे पावर दी थी, यहाँ पे पावर नहीं थी, सिंपल डेरिवेटिव लेना है। ये एग्जाम्पल अब आप लोग, ये 3-4 एग्जाम्पल है, ये खुद से कीजिएगा। एक्सरसाइज की किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है या किसी समझ नहीं है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। सर आपने अटेंडेंस ली है? सर मुझे लगता है खुद भी क्लास में मौजूद नहीं है।